मेरे चारों तरफ का बैकग्राउंड देख के आप थोड़े हैरान जरूर हो गए होंगे कि आखिर हम है कहाँ। पटना, राजधानी पटना में है हम अभी, और पटना में ये क्या है, क्यों है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। दरअसल ये क्रूज है जो कोलकाता से पटना आया है और केवल पटना वासियों के लिए। पटना वाले पूरे इस पे शेयर कर पाएंगे, इस पे पार्टी कर पाएंगे, और ये नीतीश कुमार ने कोलकाता से बिहार लाया है। ये दरअसल दीघा घाट से कंगन घाट तक लोगों को शेयर कराएगी। लोग आराम से इस क्रूज पर बैठकर इसका आनंद ले पाएंगे। चारों तरफ देखिए किस तरीके का जो माहौल है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लोग पानी का आनंद ले पाएंगे, यहाँ बैठकर पार्टी भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी दिया गया है। दरअसल यहाँ पर 145 सिटिंग अरेंजमेंट है, 145 चेयर्स हैं, यहाँ पर लोग बैठ पाएंगे। इसके अलावा जो बाहर का जो ज़्यादा पार्ट है वो ऐसे ही खुला छोड़ा गया है ताकि लोग पार्टी कर पाएं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि ये आपको आसपास की जगह ही देखिए, ये जो प्लॉट है ये खाली प्लॉट रखा गया है ताकि यहाँ पर लोग आएं, पार्टी कर पाएं, एनिवर्सरी कर पाएं, कुछ भी, बर्थडे पार्टी, तमाम तरह की चीज़ें कर पाएं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे ये आपको ऊँचा दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये गाड़ी के लिए, ताकि जब भी यहाँ कोई पार्टी फंक्शन हो, अगर कोई किसी गाड़ी को आना हो तो गाड़ी भी यहाँ पर आ सकती है। तमाम तरह की चीज़ें दी गई है। ये जो आपको ऊंचा दिखाई दे रहा है ये दरअसल नीचे गिर जाएगा और गाड़ी भी यहाँ पर आ पाएगी। आपको बताते चलें इसके ऊपर की भी आपको शेयर कराएंगे कि आखिर इसके ऊपर क्या है। आप देखिए MV स्वामी परमहंस WB 1767, ये दरअसल कोलकाता से खास और ख़ास पटना वालों के लिए आया है ताकि पटना वाले इस क्रूज का शेयर कर पाएँ। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि दरअसल इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ जो है वो दिया गया है यहाँ पर, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सीढ़ियों से सबसे पहले हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। कुछ दिन में ये पटना वाले इसकी सैर भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव इसका उद्घाटन करेंगे, और जैसे ही इसका उद्घाटन होगा वैसे ही पटना वाले इसकी सैर कर पाएंगे। हम आपको बताते चलें आपके लिए है, आम लोगों का आना थोड़ा मुश्किल है, आम लोगों को यहाँ पर आना प्रतिबंध है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। दरअसल ये जो आपको दिख रहा है ये विल हाउस है, हम आपको विल हाउस दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेटर हमेशा बैठे रहते हैं, ये ऑपरेट करेंगे, ये जहाज़, ये क्रूज यहीं से ऑपरेट होता है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये दरअसल जितने स्टाफ हैं इस क्रूज को चलाने के लिए, जितने स्टाफ यहाँ पर रहते हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। ये इधर से ये गली नुमा रास्ता होता हुआ ये डायरेक्ट विल हाउस पहुँचता है। विल हाउस में तमाम स्टाफ हैं, स्टाफ के लिए यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको बताते चले कि हमेशा इस क्रूज में लगभग 8-10 स्टाफ रहते हैं। स्टाफ के लिए किचन भी बनाया गया है ताकि जितने स्टाफ यहाँ मौजूद हो वो खाना बना पाए, खा पाए। दूसरी ओर यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, बेड्स लगे हुए हैं सारे स्टाफ के लिए। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो आगे भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पर भी बेड्स लगे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ बैठने के लिए ऑफिस अरेंजमेंट किया गया है। इन सब के बीच ये आ गया आपका विल हाउस, ये हो गया विल हाउस, यहीं से पूरा ऑपरेट होता है। यहाँ पर हमेशा एक सर मौजूद रहते हैं। क्या सर ये विल हाउस है? ये विल हाउस है, विल हाउस से यहाँ से ऑपरेट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ से तमाम तरह की चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ है, यहीं पर सारे मशीन लगे हुए और यहीं से ये ऑपरेट होता है। इसके अलावा जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि कहाँ पर क्या है, कितनी कैपेसिटी है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सीधे यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्रूज दरअसल इतना ही है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जितना आपको पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट केवल और केवल स्टाफ मेंबर के लिए है ताकि जितने स्टाफ्स होंगे वो यहाँ बैठ पाएंगे। बाकी आप ये चारों तरफ का ये जो बैकग्राउंड है, चारों आपके आसपास की चीज़ें देखिए, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर पार्टी फंक्शन, इतने लोग हैं कि अगर आप शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी यहाँ कर सकते हैं। चारों तरफ अगर आपको ऐसा है कि क्रूज़ में शादियाँ होने लगी है, क्रूज़ में अगर शादी करनी है तो अब आपको किसी दूसरे शहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पटना में ही मिल जाएगा। पटना के गाय घाट में ये अभी मौजूद है, लेकिन ये दरअसल दीघा घाट में, यहाँ से दीघा घाट लेकर जाया जाएगा जब ये बिहार सरकार को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने कोलकाता से बिहार राज्य को दे दिया है। बिहार राज्य में ये काम करेगा, बिहार राज्य के लोगों को
आनंद देगा। बिहार राज्य के जितने भी लोग हैं वो इस क्रूज पर बैठकर सवारी कर पाएंगे। हमने आपको ये पूरे क्रूज की सैर करवाई। कुछ दिन बाद आप यहाँ खुद आ पाएंगे और इस पूरे क्रूज की जो विशेषताएं हैं ये हमने आपको बता दी है, आप यहाँ पर आकर इसकी सैर कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जितने स्टाफ हैं इन लोगों के मुताबिक, इन लोगों से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को शायद इसका उद्घाटन हो जाए और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही करेंगे। आप चारों तरफ का जो बैकग्राउंड है ये देखिए, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत। इस मौसम में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिख रही है और इसका आनंद पानी के बीचों बीच, ये आनंद केवल और केवल आपको क्रूज़ ही दे सकता है। हमें आपको पूरे जो ये क्रूज़ है MV स्वामी परमहंस, इसकी पूरी सैर करवाई कि आखिर आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। 15 तारीख के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप आखिर आप इसे बुक कैसे कर सकते हैं किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए। हमने आपको ऊपर से लेकर नीचे की तमाम चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें इन तरह की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।